कहते हैं ना, अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता। आयरन बिरादर पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये क्या टेंशन खड़ा हो गया है। आपको याद होगा, हमने हाल ही में आपको बताया है कि चाइना ने सबके सामने पाकिस्तान को कहा, कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें अगर तुम सुरक्षा नहीं दे सके तो। और दोबारा माइक लेकर जवाब दिया राजदूत ने। अब उसके बाद बवाल खड़ा हो गया है पाकिस्तान के अंदर, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये सैफरान के सीईओ हैं और इन्होंने पीएम मोदी को क्या कहा था। पीएम मोदी को इन्होंने याद दिलाया था 1962 में आपके साथ अमेरिका ने क्या किया, 1965 में आपके साथ अमेरिका ने क्या किया, 1998 में अमेरिका ने आपके साथ क्या किया। आखिरकार ये सारी चीजें वो क्यों याद दिला रहे हैं। भारत के 500 फाइटर जेट के प्लांट को लेकर कई सारी चीजें चल रही है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना को चाहिए प्रॉफिट, और जब चाइना को प्रॉफिट नहीं मिलता है तो चाइना बुरी तरीके से बौखला जाता है। इस बार जो पार्टनर है ना, वो पार्टनर भी बड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? तो पाकिस्तान वो देश रहा है जिसने अमेरिका से भी पैसे लिए थे, अमेरिकी सेना की मदद की बात कहता था, और अमेरिकी सेना की मदद किस तरीके का हो रहा था ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खुलासा कर दिया कि हम बेकार में पैसे लगा रहे हैं, तब जाकर अमेरिका ने पैसे बंद कर दिए थे। अब चाइना के राजदूत बौखलाए, लेकिन क्यों बौखलाए? इसलिए बौखलाए क्योंकि चाइना ने काफी सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है। कथित तौर पर चाइना एक बड़ी रकम अपने लोगों की सुरक्षा के नाम पर भी देता है, लेकिन ये सारी चीजें बेकार साबित होती है। अब इसी बीच यहाँ पर पाकिस्तान में जब इन्होंने बयान दिया तो इस बयान के बाद बवाल मचने लगा। पाकिस्तान में लोगों ने कहना कर दिया कि ये क्यों कहा, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। स्क्रीन पर आप कई सारे आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा मुद्दे पर चीनी राजदूत जियांग जेडोंग के बयान पर हैरत जताया गया। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि राजदूत जियांग का बयान न स्वस्थ राजनयिक परंपरा का नहीं दिखला रहा है, परंपरा को जो सालों से इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच में थी। मतलब साधारण भाषा में समझिए कि वो कह रहे हैं कि हम दोनों की दोस्ती कहाँ गई। कमाल की बात एक और है, आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए और इस वीडियो को सुनिए। We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for मैं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहे अनवारुल हक, इन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान चाइना के लिए इजराइल जैसा है जैसे इजराइल अमेरिका के लिए है। लेकिन यहाँ तो कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। मुमताज बलूच ने कहा कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान में चीनियों पर हमले नहीं होने चाहिए और ये अस्वीकार है, लेकिन हम दोनों के बीच में दोस्ती है, हमने सारे रिपोर्ट सब कुछ उन्हें दिखलाया है, फिर भी वो हमारे ऊपर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। शायद ये अंतर भूल गए, वो मालिक हैं और मालिक कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा ही सीन इस वक्त चल रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है, जिस तरफ एक समय ये भाषण दिया जा रहा था उसी समय ये देखा जा रहा है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक और हमला हुआ है और इस हमले को निशाना लेकर बनाया गया है। ऊपर से पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का लोन भी चाहिए, वो भी चाइना से चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं ABC की न्यूज जहाँ पे रोड साइड बॉम्ब ने किल किया है करीब 7 लोगों को। ऐसी परिस्थिति में चाइना के राजदूत जो कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं कि उनके नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ एक और बवाल कट रहा है। भारत का एक बड़ा ही लंबा चौड़ा प्लान है, भारत का प्लान है 500 फाइटर जेट का, लेकिन यहाँ पर जो
500 फाइटर जेट भारत बनाना चाहता है उसमें कैटेगरी बांटी हुई है कि किस कैटेगरीज के कितने फाइटर जेट बनाए जाएंगे। दुनिया भर में बहुत सारी चीजें अब बननी शुरू हो चुकी है, जैसे कि अमेरिकी मिलिट्री 500 AI गाइडेड UAV जेट्स रखना चाहते हैं जो ड्रोन्स को मार गिराएं, हंट करें। और इस सीन के बीच में अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी तक फाइटर जेट का मुद्दा अटका पड़ा है। और अटके पड़े होने का कारण क्या है? कारण ये है कि इन्हें इंजन की सप्लाई नहीं हो रही है। अब प्लान तो 500 का है, 180 तेजस मार्क 1A, 108 तेजस मार्क 2, 126 एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट, 100 ट्वीन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, 500 प्लस फाइटर जेट ये बनाना चाहते हैं। पर पूरा मुद्दा अटका पड़ा है इंजन को लेकर। अब कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका जानबूझकर इंजन नहीं दे रहा है भारत को। अब ये बात कौन कह रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूरेशियन टाइम्स इस खबर को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने क्या LCA तेजस को इसलिए रोक रखा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि F-21 और F-15EX को खरीदे। $20 बिलियन का एयरक्राफ्ट डील है। भारत 114 फाइटर जेट खरीदना चाहता है और इस 114 फाइटर जेट के लिए उसे अलग अलग देशों से आ रहे हैं रिक्वेस्ट भी। फ्रांस की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ रहा है। अमेरिका की दो दो कंपनियों ने भारत को रिक्वेस्ट भेजा है कि आप हमारे फाइटर जेट ले लीजिए। अमेरिका के बोइंग ने, अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन ने F-21 जो कि F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है, तो बोइंग ने FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट, F-15EX इनको भी ऑफर किया है, पर भारत इसे नहीं खरीद रहा है। क्योंकि अभी एक चीज और देखने को मिल रही है, भारत का जो डर है वो डर सही साबित हो रहा है। दरअसल भारत डरता है, विश्वास नहीं करता है और इसी वजह से ये चीज खरीदने में दिक्कत हो रही है। इसका एक एग्जांपल भी इन्होंने दे दिया, Z-404 के लिए जो डील हुई, इस डील को अभी तक डिले ही किया जा रहा है, आगे भी देर ही किया जा रहा है। अमेरिका सोच रहा है जब इनके पास फाइटर जेट नहीं होंगे, चाइना पाकिस्तान की तरफ से दबाव बनेगा तो ये खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर ये हमसे खरीदेगा। यहाँ पर अब फ्रांस भारत को एक बड़ा ऑफर दे रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है और इंजन टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने को भी तैयार है। इसी बीच सैफरान के CEO की मुलाकात भी होती है PM मोदी से 2023 में, और इस समय ये भारत को याद दिलाते हैं कि आप हमारे साथ क्यों चलिए। इसके बारे में ये कहते हैं कि आपको याद होगा 1962 में आप किसी देश के पास गए थे और आपने फाइटर जेट मांगी थी, लेकिन आपको उस देश ने फाइटर जेट नहीं दिया था। और कौन? ये अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है। 1962 के चाइना जंग में भारत ने उस समय अमेरिका से फाइटर जेट मांगी थी पर उसे मदद नहीं मिली। आगे कहा जाता है 1965 में भी भारत ने मदद मांगी थी, लेकिन उस वक्त भी मदद नहीं मिली थी क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान को फाइटर जेट दे दिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को भारत की टेक्नोलॉजी से हाई कर दिया। इसके अलावा 1998 में भी जब भारत को GPS लोकेशन चाहिए था तब भी अमेरिका ने नहीं दिया था। यही बात वो याद दिलाते हैं, कहते हैं कि हम वो देश हैं जो आपके साथ बुरे समय में भी साथ रहे, अच्छे समय में भी साथ रहे, इसलिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।